नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। गाजियाबाद के लोनी में अवैध कॉलोनियों पर आज बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही करते हुए बुलडोजर से अवैध निर्माण ढहा दिया है। लोनी में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। अवैध कॉलोनियों को बसाने वाले बिल्डर प्लॉट बेचकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और बुनियादी सुविधाओं का विकास भी नहीं करते हैं, जिसके बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग जरूरी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। कई बार इन कॉलोनियों में अवैध रूप से लोग दूसरे के प्लॉट को कब्जा भी कर लेते हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जिले में करीब 320 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर रखा है। इसके बावजूद जिले में लगातार अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, जिस पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कार्यवाही शुरू कर दी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता आरके सिंह ने भारी पुलिस फोर्स के साथ लोनी में आज कई स्थानों पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बुलडोजर के साथ कार्यवाही की है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लोनी में निठौरा रोड व चिरौड़ी रोड पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर वहां बने अवैध निर्माण को उठा दिया। वहीं मौके पर मौजूद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता आरके सिंह ने बताया कि क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां नहीं बसाने दी जाएंगी, आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी।